जब तक दुनिया में गरीबी है, किसान है, मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, झोपड़ी हैं, जब तक विषमताएं हैं समाज में, तब तक प्रेमचंद भारत में तो जीवित ही हैं और जीवित रहेंगे। देखिए, ठाकुर की कुआं एक ऐसी कहानी है जो जिसके मुख्य पात्र उस दौर की परिस्थिति है, जो स्थितियां होती हैं कभी कभी पात्र के रूप में बोला करती हैं। बहुत छोटी कहानी, 80 पंक्तियों की कहानी हो, उसके जो मुख्य दो पात्र हैं वो जोखू जो कथानायक है और उसकी पत्नी गंगी, तो और शेष परिस्थितियां हैं जो पात्र बन के उभरती हैं और पात्र बन करके उन स्थितियों का बयान करती है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जा रहा, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला दे रही है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी, कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी, जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से, ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा, कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है, कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जा रहा, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी ही लूं। गंगी ने पानी ना दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पानी कहां से लाएगी, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। गंगी कहती है, हाथ पांव तोड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था, गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को ना दिया। यहां पर जब लेखक की जो दृष्टि है वो सबसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, किसको समाज से और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो मिलती हैं उसकी मेहनत के बाद मिलती हैं, वो भी स्वयं के द्वारा, लेकिन अगर कहीं अच्छी सुविधाएं प्राप्त करता है तो उसमें भी समाज के कुछ जो बड़े लोग हैं हस्तक्षेप करते हैं, उसको रोकते हैं। फिर भी गंगी ने कहा, जैसा भी होगा मैं जाऊं। रात के 9 बजे थे, थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे, ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा है, ना ही मौका, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए, कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए, नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, यहां बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी,
काम करने के ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। यहां प्रतीक के रूप में देखें आप कि सवर्ण समाज जो था, यह बड़ा तब समाज था, जो समाज के बड़े लोग थे, उनकी नजर में ये लोग कहीं मनुष्य के रूप में माने ही नहीं जाते थे। वो तो मानते थे कामगार हैं, इनसे काम लो, लेकिन इनकी सुविधाओं के बारे में कोई वो नहीं। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और क्यों ये लोग इतने ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक एक से छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में बारहों मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए ना कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें कुछ बात हो रही थी। खाना खाने चलें और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हां यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती? 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं? दूसरी औरत ने बोला। मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान अलग मानता। यहां काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आ गई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया।
घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई, रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षणों तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। माने प्रेमचंद ऐसे मोड़ पे ला करके कहानी को खत्म करते हैं। बहुत छोटी कहानी है लेकिन इतना बड़ा संदेश देते हैं, इतनी बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं कि एक महिला जो अपने बीमार पति के लिए पानी लेने जा रही है ठाकुर कुएं में और उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम दरवाजा खुला है हम पानी भर के निकाल के चले आए। इतना भय, ये भय एक दिन का भय नहीं है, ये भय सदियों का भय था। अगर एक दिन दो दिन का भय हो तो टकरा भी जाती देखा जाए, लेकिन सदियों का भय का अर्थ ये होता है कि सदियों से जो प्रताड़नाएं जो पीड़ा ही लोग ये समाज झेल रहा था वो पीड़ा गंगी के पूरे शरीर में तिरोहित हो गई थी।